पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग के निशाने पर थे। वहीं सूत्रों की माने तो कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड ने सिद्धू मूसेवाला की मौत की जिम्मेदारी ली है। मूसेवाला की जिस तरह से हत्या की गई है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावरों ने टारगेट करके वारदात को अंजाम दिया है। बिश्नोई गैंग के विरोधी कैंप को सिद्धू मूसेवाला सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा सूत्रों का कहना है। इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे। बताया जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस इस एंगल पर भी जरूर जांच करेगी। सूत्रों ने बताया कि 8 अगस्त 2021 को मोहाली में दिन दहाड़े विक्की मुद्दी खुड़ा की हत्या कर दी गई थी। विक्की पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी थे। हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। पुलिस मैनेजर तक पहुंच पाती उसके पहले ही वो भारत से फरार ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। पंजाब पुलिस ने सिद्धू के मैनेजर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ है। सूत्रों ने बताया कि अगस्त 2021 में मोहाली में विक्की बिट्टू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू पर हमले की फिराक में था। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है और जेल से गैंग ऑपरेट कर रहा है। उसके गैंग में 700 शूटर हैं जो कनाडा समेत विदेशों में मौजूद हैं। कनाडा में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गोल्डी बराड़ ने दावा यह भी किया है कि विक्की मिथु खेड़ा के अलावा उसके खुद के भाई गुरलाल बराड़ की हत्या के पीछे भी सिद्धू मूसेवाला था, लेकिन अपने रसूख के दम पर वो बच गया था। बता दें कि रविवार को मूसेवाला पर पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के गाँव के पास फायरिंग हुई थी। घटना में मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 साथी जख्मी हो गए थे।